जो भाई आज के जो वीडियो होने वाला है ना भाई, 30 दिन के अंदर तुमको इस तरीके से बॉडी अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसका तरीका बताने वाला हो। तो ये 5 मिनट से भी कम समय का वीडियो होने वाला भाई, तो वीडियो को पूरा देखना और नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन एक बात तुम लोगों से ये पूछने वाला हूँ वीडियो से स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम वही बंदे हो जो तुम कभी कभार जिम जाया करते थे, अपनी बॉडी को देखते थे और रेगुलर बेस पे जाते थे, लेकिन आज तो जिम के नाम से भी दूर होने लग गए हो, क्या तुम वही बंदे हो जो सुबह सुबह मॉर्निंग में रनिंग करते थे, अपने दोस्तों के साथ में दिन भर क्रिकेट खेलते थे, तब भी तुम्हारे पैर में किसी तरीके का पेन नहीं होता था, और आज तो केवल सीढ़ियों से उतरने से भी डरते हो, लिफ्ट का यूज़ करते हो, और तुम वही बंदे हो जो सामने अपने आप को मिरर में 10 बार देखा करते थे यंग एज में, लेकिन आज तो अपने आप से भी थोड़ा बहुत नफरत टाइप की होने लग गई है, क्योंकि तुम्हारी जो शर्ट का बटन है ना वो चीख चीख के बोल रहा है कि भैया मुझे माफ़ करो, कहीं ना मैं फट नहीं जाऊँ। तो इस तरीके अगर तुम्हारी हालत है ना मेरे भाई, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर तुम्हें 30 दिन के अंदर मैं चेंज करने के बिल्कुल बॉडी तुम्हारी नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखना, ऐसा वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ में मतलब 2024 में लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। तो सबसे पहले तुम लोग को एक काम करना है, अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट करना चालू करो। जिम ज़रूरी नहीं है कि तुम जिम जाओ, घर के अंदर भी तुम कर सकते हो। मुझे मालूम है कि तुम लोग अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो, फैमिली के साथ में हो, तो तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन तुम अगर घर के अंदर भी पुशअप, स्क्वाट, जंप स्क्वाट और कुछ और भी वर्कआउट जैसे एब्स हो गए, क्रंचेस हो गए, लेग रेजेस हो गए, ये सब चीज़ें करके भी तुम अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, लेकिन तुम लोगों को बस थोड़ा सा चीज़ों को फॉलो करना है। ये 30 दिन तक इस चीज़ को खींचना है तुमको, किसी भी हालत में एक दिन का भी मिस नहीं होना चाहिए तुम्हारा, संडे भी मिस नहीं होना चाहिए, 30 दिन तो 30 दिन कागज़ पे लिख लो ये सब चीज़ें, तुम लोग भूल जाओगे। दूसरा, डाइट, कुछ भी हो, कैसा भी त्यौहार हो, 30 दिन की तुम्हारी को डाइट जिस दिन भी तुम चालू करोगे ना, 30 दिन तक तुमको किसी भी तरीके का जंक फूड नहीं खाना है, अपने मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम खाना है। तुम्हारा अगर कोई मसल बिल्ड है तो थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हो, मोस्टली लोगों का फैट लॉस होगा और मसल थोड़ा बिल्ड टाइप का होगा, तो लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन और मीडियम फैट पर तुम जा सकते हो। तीसरा, सोने की आदत तुम लोगों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग जो मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में जो टाइम दे रहे हो ना, अगर ये सब चीज़ें अगर दूसरी चीज़ों में दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तुमको 30 दिन तक के लिए रेगुलर तुमको एक टाइम पे सोना है, और इसी तरीके से तुमको डाइट भी है ना, तो अगर तुम 5 मील ले रहे हो या 3 मील ले रहे हो, उसको टाइम पे लेना है, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 30 दिन के अंदर तुम्हारी बॉडी तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि मेरे एकदम से फैट लॉस हो जाएगा तुरंत इस लगेगा, ऐसा फ़िलहाल की डेट में तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें एक मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर तुम 2 से 3 किलो कम करना चाहो तो आसान तरीके से हो जाएगा, लेकिन तुम जो नियम के अंदर जो बन जाओगे ना मेरे भाई, ये तुम्हारी आने वाले लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो तुम लोगों को ये चैलेंज लेना ही लेना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तभी तुम्हारी बॉडी कुछ ना कुछ चेंज होगी और तुम अपने अंदर एक मोटिवेटेड फील करोगे। बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे बॉडी नहीं बन पा रही, हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारी एज निकल गई है, हमारा टाइम नहीं है, तुम लोग ये सब बहाने हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस एज के चालू करके या इससे भी ज़्यादा एज के चालू करके अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले आ चुके हैं। तो तुम लोग भी बिल्कुल देरी मत करो, 30 दिन का ये चैलेंज ले लो, 3 दिन की तीन चीज़ों को तुम फॉलो करो और फिर देखो कि तुम्हारी बॉडी किस तरीके से हो बनती है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार भाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।